हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस का। ठीक है, 2017 के क्वेश्चन बैंक को हम लोग सॉल्व करेंगे। वेक्टर कैलकुलस का एक अंशु सर नाम था, तो उन्हीं का डिमांड था कि इसे वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू किया जाए। तो मैं आप लोगों को वेक्टर कैलकुलस 2015 और 2016 का करवा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम लोग 2017 का वेक्टर कैलकुलस देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये अगर मैथमेटिक्स सब्सिडरी है या फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, आप लोग लेंगे ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी। ठीक है, हम लोगों को निकालना है ए क्रॉस बी और क्रॉस सी क्रॉस डी का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लेट, क्यों मान रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू एम। चलिए मैं थोड़ा सा कैमरा में देख लेती हूँ, ये आप लोगों को प्रूफ करना था। हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, और ये आप लोग को दिख रहा होगा ये आप लोग का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करना है ना, देखिए अगर आप लोगों को इसको सॉल्व करना है तो ये थोड़ा सा एक वर्ड में कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए, ये आप लोगों को क्या निकालना है, बेसिकली एम क्रॉस सी क्रॉस डी। चलिए मैं अब एक ट्रिक बताऊंगी, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना वेक्टर कैलकुलस का, तो इसका हेल्प जरूर मिलेगा ही आप लोगों को। क्या करना होता है, देखिए ये है ना, तो ब्रैकेट में जो है ना उसको पहले माइनस कीजिए, ये सी है तो सी, और ब्रैकेट में क्या डी, तो सी माइनस डी कर दिए। इतना कोई दिक्कत है नहीं, तो सी का जो काम हो गया तो एम और डी बचा ना, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए एम डॉट डी के साथ। इसमें देखिए डी का काम हो गया तो क्या बचा, एम और सी, तो एम डॉट सी कर दीजिए एम डॉट सी। ठीक है, तो आप लोगों को यही है, इसको एक्सपेंड इसी तरीके से किया जाता है। तो हम लोग ए क्रॉस बी की जगह पर एम डाले और ये हो गया, तो यहाँ से क्या आया आप लोगों का एम डॉट डी है, और एक लाइन क्यों बढ़ाया बिना मतलब है। अब m के जगह पे हम लोग का जो है ना a क्रॉस b उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो m के जगह पे लिख देंगे हम। आप लोगों को समझ में आया ये कैसे किए। अब m के जगह पे क्या था हम लोग को, a क्रॉस b था, तो यहाँ पे लिख देंगे a क्रॉस b डॉट d। ठीक है, और इसके साथ किया है ये c, और m के जगह पे क्या लिख देंगे a क्रॉस b, और ये इसका डॉट है c के साथ, और फिर है ये d। यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा। अब क्या करेंगे, इधर क्या निकाल रहे थे हम लोग, देखिए इधर हम लोग निकाल रहे थे ए क्रॉस बी और क्रॉस सी क्रॉस डी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आप लोग को दिख रहा होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डोनेट करने का, ये इस तरीके से हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं। तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए ये हम लोग का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और इसको डिनोट करने का तरीका ये है ए बी डी, और यहाँ पे है आप लोग का सी, और माइनस ये क्या है ए बी सी, ए बी सी, और ये है डी। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा, और दिक्कत होने वाला कोई भी बात मैं आप लोग को अभी तक नहीं बताई हूँ। इसको इक्वेशन मान लीजिए वन। चलिए मैं फिर से समझाऊंगी, आप लोग समझिएगा। आप लोग को ये प्रूफ करना है डी के वैल्यू ये है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी निकाल लें। इसमें ए क्रॉस बी का एम मान लिए, अब हम लोग क्या करेंगे अगेन, तो चलिए ये आप लोगों का क्वेश्चन था ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे अगेन लेट, अब हम लोग इसको मान लेंगे। ठीक है, सी क्रॉस डी को, ये हम लोग किसके बराबर आएगा, ये हम लोगों को एन के बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का ए क्रॉस बी, और निकालना है क्या निकालना है ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी है, तो हम लोग किसके बराबर आ जाएगा ये ए क्रॉस बी, और सी क्रॉस डी को क्या माने हैं एन। ठीक है, एक मैं वेक्टर का आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टीज बताना चाहती हूँ। देखिए ए डॉट बी जो है ना वो बराबर होता है बी डॉट ए के, लेकिन ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है माइनस और बी क्रॉस ए के। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे,
ए का आएगा माइनस ऑफ बी क्रॉस है मतलब एन और ए क्रॉस बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस है, अब वही मैं थोड़ा देर पहले जो आप लोगों को सिखाई थी वही काम करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा, जो ब्रैकेट में उसको माइनस करना है ए माइनस बी, ए कर लिए तो बचा क्या एन डॉट बी, और यहाँ बी कर लिए तो क्या बचा एन डॉट ए, एन डॉट ए। अब हम लोग क्या करेंगे, एन का जो वैल्यू है वो रख देंगे माइनस है, एन का वैल्यू हम लोग क्या माने थे सी क्रॉस डी, तो सी क्रॉस डी डॉट बी डॉट ए माइनस एन का वैल्यू क्या था हम लोग का, एन का वैल्यू वही सी क्रॉस डी है, तो हम लोग का हो जाएगा सी क्रॉस डी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है आप लोग को, नहीं आ रहा होगा। चलिए अब इसको माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ सी क्रॉस डी है और यहाँ पे क्या था ए छूट गया हुआ, तो ये इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या है सी क्रॉस डी डॉट ए डॉट बी, और ये माइनस हो जाएगा सी क्रॉस डी डॉट बी और डॉट ए, ठीक है। इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, सी डी ए और यहाँ आ जाएगा बी माइनस सी डी बी और ये आ जाएगा डॉट ए, ठीक है। और ये हम लोग किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये हम लोग के इसके बराबर आया, एक लाइन नीचे इसमें लिखें ए क्रॉस बी और क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है। तो ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 आया, ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर क्या आया, इक्वेशन नंबर 2 आया। इक्वेशन 1 समझे, इक्वेशन 2 समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी इसी ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वीडियो को पीछे कीजिए और ले लीजिए। तो ये देख लीजिए, चलिए ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों को भी आपस में बराबर कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम, मार्कर भी खत्म हो चुका है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर कीजिएगा तो ए बी डी और ये डॉट है सी के साथ माइनस ए बी सी और ये है डी के साथ, ठीक है। इक्वल हो जाएगा ये सी डी ए डॉट बी के साथ, ये है सी डी बी डॉट ए के साथ, तो हम लोग को डी का वैल्यू निकालना है मतलब ये निकालना है, तो ये वैल्यू ये उधर जाएगा और बाकी सब इधर आएगा, तो आप लोग का कहीं पे कोई साइन में चेंज गलत तो नहीं गया ना। तो फिर हम लोग का डी डी के साथ जो वैल्यू है ये उधर गया और ये सब इधर आया, देखिए क्या वैल्यू आ जाएगा, सारा साइन तो सही रहा होगा, तो देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ देखिए सी डी ए है ना, तो इसको हम लोग सी ए डी में चेंज कर सकते हैं, ओके। अगर हम लोग का कोई वेक्टर प्रोडक्ट मतलब कि स्केलर ट्रिवल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो तीनों अगर साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते तो वो वैल्यू नहीं बदलता, लेकिन किसी दो को चेंज करते हैं ना तो वो वैल्यू बदल जाता है। तो हम लोग का देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये उधर गया कि ये उधर गया और ये बाकी सब इधर आया, ये उधर गया तो प्लस में होगा, ठीक है। तो ये डी के साथ जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी ये है और ये क्या ए बी डी सी प्लस में है और ये इसको चेंज करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या निकालना है बी सी डी, तो देखिए बी सी डी इसको भी चेंज करना है बी सी डी, तो ये आप लोग का ये आ जाएगा बी सी डी, ये किसके साथ है ए के साथ है, और प्लस क्या आ जाएगा सी ए डी, इसको भी चेंज करना है सी ए डी। देखिए मैं एक बात समझाती हूँ, ये आप लोग को लास्ट लाइन समझने में दिक्कत होगा, मैं आप लोग को समझा दूंगी, टेंशन मत लीजिए। सी ए डी यही प्रूफ करना था जो आ गया हुआ है, सी ए डी किसके साथ है, सी ए डी बी के साथ है और प्लस सी ए डी बी के साथ है और प्लस क्या हो जाएगा, क्या बच गया बी सी डी, ठीक है बी सी बी, ये किसके साथ है ए के साथ है, और यही हम लोग को प्रूफ करना था जो कि आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना था, ये आप लोग को प्रूफ करना था, तो
तो हम लोग क्या किए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी निकाले। पहला बार हम लोग ए क्रॉस बी को एम मान लिए, फिर उसको सॉल्व कर लिए। देखिए ये हम लोग इसको मतलब कि ये इतना बड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग इसको एम मान के फिर सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन वन आया, फिर हम लोग इसको एन मान के सॉल्व कर लिए इक्वेशन टू आया। दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हुआ क्योंकि दोनों एक ही चीज का वैल्यू दोनों आपस में बराबर कर लिए। और फिर हम लोग को ये निकालना है ना, तो ये उधर जाएगा। ठीक है, ये तो प्लस में है और ये तो प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। तो ये माइनस में है तो इसको प्लस में करने का क्या तरीका है? ठीक है, तो सी डी ए है ना, तो डी ए अगर डी डी ए है, हम लोग को चाहिए क्या? ए डी चाहिए। ठीक है, ए डी चाहिए, तो उसको चेंज करेंगे ए डी, तो ये माइनस में आएगा तो जो किधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो फिर हम लोग का डी का ये वैल्यू हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही प्रूफ देखे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं क्वेश्चन बैंक कहाँ है, क्वेश्चन बैंक तो यही था, मोबाइल था, जस्ट वेट। यस, तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन कर लिए, सेकेंड वन का भी कर लीजिए, वन का भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन मैं अभी लिख के कर देती हूँ, 2017 का। मैं बोर्ड पे क्यों समझा रही हूँ, आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पीडीएफ में क्या है, वो तो पहले से लिखा रहता है, बस उसको पढ़ देना होता है। पढ़ना तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी पढ़ सकता है, तो फिर आप लोग भी जाके कहीं से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है, इसलिए मैं सोची क्यों ना समझा ही दिया जाए, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के सामने लिख के बनाऊंगी तो फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ आएगा। देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को प्रूफ बनाना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। ठीक है, यही बनाना है आप लोगों को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखिए ये आप लोग सॉल्व करना है ना, तो ए क्रॉस इसका वैल्यू क्या जाएगा, बी क्रॉस सी क्रॉस डी का। यही पहले ये ब्रैकेट वाला टर्म को माइनस कर देंगे, सी और डी, सी का काम हो गया तो यहाँ क्या बचा, बी डॉट डी, और यहाँ डी का काम हो गया तो क्या बचा, बी डॉट सी। ठीक है, थोड़ा फैल से लिखते हैं, मतलब कि थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, इक्वल ये ए क्रॉस, यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा डी। ठीक है, सी के साथ क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा दे देंगे, सी के साथ आएगा बी डॉट डी, और इसके साथ डी के साथ क्या आएगा, बी डॉट सी। ठीक है, अब हम लोग इसके साथ क्रॉस करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी, मतलब ये इसके साथ कर लीजिए ए क्रॉस, कहीं पे गलत नहीं ना, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, यस, अब एक साथ क्रॉस करना है तो चलिए कर लेते हैं, ए क्रॉस ये दोनों को साथ में कर लीजिए, ए क्रॉस सी, और ये क्या है बी डॉट डी, और ये क्या है ये इसके साथ कीजिएगा, डी के साथ कर लीजिए ए क्रॉस डी, और ये हो जाएगा बी डॉट सी। ठीक है, तो आप लोगों का सेकेंड नंबर क्वेश्चन यही इतना छोटा था, इसलिए मैं सोची अब इसके लिए थोड़ी अलग वीडियो बनाऊंगी तो समझा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन टू द वेक्टर फंक्शन यू टू ut to have constant direction, ठीक है, और u cross du by dt equal to zero प्रूव करना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।